हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, SGPGI की तरफ से अभी अभी सुबह सुबह बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, रात में ही यह अपडेट निकल के आ रही है और मैं आपको सुबह सुबह अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि यह स्पेशल वीडियो है और इस स्पेशल वीडियो में हम आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, SGPGI नर्स भर्ती 2023 दोस्तों SGPGI की तरफ से 14 मेडिकल कॉलेज में 1974 पदों पर नर्सिंग की परमानेंट भर्ती निकाली गई है, जिसकी दोस्तों सारी जिम्मेदारी SGPGI को दी गई है। और ये जो भर्ती है, यह दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पोस्ट को फिल करने के लिए निकाली गई थी। इसका दोस्तों बता दें, 6 जून को जो है दो लिस्ट यहाँ पर निकाली गई थी, मैंने वीडियो बनाया था। 6 जून को फर्स्ट यहाँ पर लिस्ट दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल के बारे में थी, एंड सेकेंड जो है सिलेक्शन थी। लेकिन दोस्तों जो यहां पे 6 जून को सिलेक्शन लिस्ट यहां पे जारी की गई है, उसे दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। 6 जून की जो लिस्ट है उसे निरस्त कर दिया गया है और अब दोस्तों 12 जून को रात में जो है एक नई लिस्ट यहां पे जारी की गई है। तो दोस्तों जो 6 जून को सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, 6 जून को, उसे निरस्त करके 12 जून की डेट में एक नई लिस्ट जारी की गई है और उसी लिस्ट को दोस्तों अब माना जाएगा सही। तो ये दोस्तों नई लिस्ट है, संशोधित यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है 12 जून की रात में, और आज है 13 जून और सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं DGME UP की वेबसाइट पर और बात करेंगे जो अभी नई लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट के बारे में जानकारी देंगे। और उसके पहले दोस्तों जो यहाँ पे 6 जून को दो लिस्ट जारी की गई है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले DGME UP की वेबसाइट पर, क्योंकि उस वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे सबसे पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिए, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, डायरेक्टोरेट जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश। नीचे आओगे तो ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट होम पेज पर आ सकते हो। होम पेज पर देखिए, आने पर जो है आपको नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा कैरियर, और कैरियर के नीचे यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है व्यू ऑल, इस वाले ही ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोग होम पेज पर आओगे तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो जो भी यहाँ पे नई नई नोटिस जारी की गई है उस वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूज, जो कि जो भी लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट है, ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। नंबर वन देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफाइड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ऑफ 1974 एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज UP अपलोडेड ऑन डेटेड 12 जून 2023। तो 12 जून 2023 को, यानी कि 12 जून को रात में जो है यह अपडेट निकल के आ रही है, ये नोटिस यहाँ पे जारी की गई है। और इससे पहले यहाँ पे देखिएगा तो 6 जून को है दोस्तों दो लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। नंबर थर्ड देखिए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ नर्सेज सेलेक्टेड फॉर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अपलोडेड ऑन डेटेड 6 जून 2023। और जो नंबर टू देखिए, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ऑफ 1974 एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज UP अपलोडेड ऑन डेटेड 6 जून 2023। तो सबसे पहले मैं इस लिस्ट को दिखाऊंगा। देखिए आपकी जो है 6 जून को जो है लिस्ट जारी की गई है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के 1974 अर्ह स्टाफ नर्स अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु दिशा निर्देश, जो कि
कुछ जानकारी है। संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान लखनऊ द्वारा प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों फेज वन फेज टू एवं जौनपुर हेतु आयोजित स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा में अर् पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 13 जून 2023 से 19 जून 2023 तक कलाम सेंटर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा जो भी निर्देश निम्नवत है, यानी कि आज आप लोगों का 13 जून और आज से आपका डीवी स्टार्ट हो चुका है जो कि 19 जून 2023 तक चलने वाला, सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ सेम रहेगा। बाकी जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें ही दोस्तों संशोधन किया गया है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये आप लोगों का ये भी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि 19 जून 532 यहाँ पे देखिएगा तो ये सब कुछ लिस्ट दी गई है। ये आपका सीरियल नंबर है ओबीसी के लिए है, लास्ट में ओबीसी के लिए देखिएगा तो 421 से लेकर 532 ये आपके लिस्ट है। और ये लास्ट में लिस्ट भी आप लोग देख लो 798 सीरियल नंबर ये लास्ट है। और ये दोस्तों देखिए तो डेट यहाँ पे दिया गया है और डेट वाइज यहाँ पे जो है आपकी डीवी का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। मैंने सब कुछ पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये 50 पेज का दोस्तों पीडीएफ जारी किया गया, लेकिन अभी दोस्तों 6 जून को जो है 50 पेज का पीडीएफ जारी किया गया था, ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो अभी जो 12 जून को लिस्ट आई है उस लिस्ट को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए नोटिस, नई लिस्ट है चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 12 जून 2023 नोटिस। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की ईमेल दिनांक 11 जून 2023 के द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित सूची के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची अपलोड की जा रही है। दिनांक 6 जून 2023 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है, अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। यानी और भी जो भी आपकी शेड्यूल है और जो भी आपके दिशा निर्देश है सब कुछ यथावत रहेगा, उसमें नो चेंजिंग। बाकी जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें चेंजिंग की गई है, महानिदेशक बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर मैंने डाउनलोड कर रखी है, ये आप लोग देख सकते हैं। 58 पेज का दोस्तों पीडीएफ जारी किया गया है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू आर कैटेगरी 798 कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट है, यू आर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस सीरियल नंबर वाइज ये जो सीरियल नंबर दिया गया है इसी सीरियल नंबर को देखकर आपका डीवी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। आज है 13 जून और आज ही से दोस्तों आपका डीवी स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से डीवी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाई चांस यहाँ पे आपको अगर डीवी में उपस्थित नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जा रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है और फिर आप लोग जो हैं उपस्थित नहीं हो पाएंगे अगर डीवी में, तो आपको एक बार और मौका मिलने वाला है। लेकिन आप लोग मौके का इंतज़ार मत करो और जो आपका शेड्यूल है उसी शेड्यूल में जो है आप लोग डीवी यहां पे करा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ सही है, यहां पे आप लोग देख लो लिस्ट काफ़ी अच्छी है, बस यहां पे थोड़ी सी चेंज की गई है। अब इसमें चेंज क्या किया गया है वे आप लोग बता सकते हैं। जो 6 जून को जो सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी अगर उसमें आपका नाम नहीं था और इसमें अगर आपका नाम है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। देखिए दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बस आपको वहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप लोग क्लिक करोगे इस तरीके से ही पेज ओपन हो जाएगी, बिल्कुल सेम इस तरीके से पेज ओपन होगी और यहाँ पे आपको देखिए पीडीएफ का एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप लोग 2 सेकेंड के अंदर इस लिस्ट को डाउनलोड करके लिस्ट में नाम चेक करके जल्दी से डीवी कराइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।